नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक में आई भर्ती की। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि एचडीएफसी बैंक की तरफ से ऑफिशियली बंपर भर्ती की सूचना जारी हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको बता दें, एचडीएफसी बैंक की तरफ से जो भर्ती निकाली जा रही है बिल्कुल सीधी भर्ती है, सूचना जारी हो चुकी है। बिना परीक्षा के इस भर्ती के तहत आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों इस भर्ती के लिए केवल आपको फॉर्म भर के छोड़ना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपके काफी चांसेस हैं एचडीएफसी बैंक में भर्ती के। दोस्तों कोरोना वायरस के चलते सरकार ने काफी सारी वैकेंसी निकाल दी है, वहीं आपको बता दें एचडीएफसी बैंक ने भी बंपर भर्ती निकाल दी है, काफी अर्जेंट भर्ती है। दोस्तों अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं या स्नातक पास है तो आप सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप 10वीं पास भी हैं तो दोस्तों आवेदन करने से बिल्कुल भी मत चूकिएगा, जल्द से जल्द अभी के अभी अप्लाई कर दीजिएगा। सैलरी यहां पर आपको 75,000 से भी अधिक पर मंथ सैलरी मिल रही है। ऑल ओवर इंडिया की जॉब है, किसी भी राज्य में आप रहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहां पर आपकी फीस भी नहीं ली जा रही है, चाहे वो जनरल का हो, ओबीसी का हो या फिर एससी एसटी का कैंडिडेट्स हो, सभी कैंडिडेट्स अभी के अभी मोबाइल में भी अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सरकारी नौकरी की खबर पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से बात करते हैं आज की नई बंपर भर्ती की जो निकाली जा रही है एचडीएफसी बैंक में। जी हाँ दोस्तों, सीधा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं जहां पर आपको भर्ती की पूरी जानकारी मिलेगी। तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के लिए गूगल में सर्च करें www.trainingschool.in। जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे आप सीधा हमारी वेबसाइट पर आ जाएंगे। दोस्तों आपको बताएंगे सीधा एचडीएफसी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर के और आपको बताएंगे कैसे आपको अप्लाई करना है। तो बने रहेगा, लास्ट तक वीडियो को देखेगा। सबसे पहले आपको इसी कुछ जानकारी देते हैं। दोस्तों ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल, एचडीएफसी बैंक की भर्ती के लिए। यहां पर आप देखते हैं विभिन्न पदों पर यह भर्ती निकाली जा रही है। क्लर्क की भर्ती है, अकाउंटेंट की है, मैनेजर की है, सेल्स की है, मार्केटिंग की है, मैनेजर की वैकेंसी है, बैक ऑफिस की है, ऑफिसर की है, इंजीनियर की है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारी वैकेंसी यहां पर देखने को मिल रही है। 11,000 से भी अधिक पदों पर बंपर भर्ती की सूचना जारी की गई है। और सबसे अच्छी बात है, अगर आपके पास में कोई अनुभव नहीं है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, और अनुभव है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, आपको केवल ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए आपको केवल फॉर्म भरना है, यहां पर आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी, केवल आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, वहां पर भी आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। ठीक है, सैलरी यहां पर एचडीएफसी बैंक के रूल्स के मुताबिक आपको दी जाएगी। पूरे भारत की जॉब लोकेशन है। और उम्र सीमा की बात करते हैं तो 18 से 50 वर्ष यहां पर रखी गई है। अगर आपकी भी उम्र 18 से 50 साल है तो आप आवेदन जरूर कीजिएगा। यहां पर फीस किसी भी कैंडिडेट से नहीं ली जा रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बने रहिएगा लास्ट तक, आपको बताएंगे कैसे आपको आवेदन करना है। योग्यता क्वालिफिकेशन यहां पर 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास अगर आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की पूरी जानकारी यहां पर है, आवेदन शुरू हो चुके हैं, जल्द से जल्द आप अप्लाई कर लीजिएगा। यहां पर आपको लिंक मिलेगा आवेदन करने का। सबसे पहले आपको बता दें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां पर क्लिक कर दें। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे आप एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट पर आ जाएंगे ऑफिशियली। नीचे जाएं, यहां पर आपको देख सकते हैं दो चित्र है, लड़की का और एक लड़के का। यहां पर लड़की के चित्र पर आप क्लिक करें, जैसे आप क्लिक करेंगे आप सीधा नए पेज पर आ जाएंगे। यहां पर सबसे पहले आपको यहां पर ये एक बटन दिख रहा है अपलोड रिज्यूम का, यहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर तीन स्टेप मिल रहे हैं। सबसे पहला स्टेप है, उस पर आपको देख सकते हैं अपलोड का ऑप्शन है। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या है कि एक नया विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, नई विंडो ओपन होते ही आपको आपका जो रिज्यूम है वो अपलोड करना होगा। आपका रिज्यूम कंप्लीट होना चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो सारी की सारी जानकारी आप रिज्यूम में डाल दीजिएगा, उसके बाद अपलोड कर दीजिए। आपकी फाइल, आपका रिज्यूम आपसे ठीक तरह से अपलोड हुआ या नहीं हुआ है वो चेकआउट कर लीजिएगा, उसके बाद कंप्लीट करके सबमिट कर दीजिएगा। तो आप इस तरीके से आप एचडीएफसी की इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर लॉगिन करके आपकी जो आईडी क्रिएट होगी उसको आप लॉगिन करके भी चेकआउट कर सकते हैं। विभिन्न पदों की जो भी वैकेंसी आती है उसके लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस भर्ती को आवेदन करते समय आपके मन में कोई भी सवाल या शंका है, अगर आपको आवेदन करने में कोई परेशानी हो रही है तो कमेंट कीजिएगा, बेझिझक आपको जवाब दिया जाएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।